चलो सब लोग अटेंडेंस दे दो बेटा फटाफट। वंश प्रेजेंट, पीपी सवानी। एंजल गामित, क्रीना चौधरी, किरमी चौधरी। एंजल गामित, किरमी चौधरी। ओम पटेल, केशवी राणा। ओम पटेल इज प्रेजेंट, केशवी राणा इज ऑल्सो प्रेजेंट। साहिल शेख, साहिल लक्ष्य फ्रॉम एसवीवी, भव्या बीपी सवानी। अनुराग पीपी सवानी, भूमिका गोयल पीपी सवानी। अनिरुद्ध इज प्रेजेंट, भूमिका गोयल इज प्रेजेंट, पृष्टि लड़ानी इज प्रेजेंट, वर्षिल एसवीवी, संजना एसवीवी। पूजा फ्रॉम पीपी सवानी इज प्रेजेंट, आदित्य सिंह फ्रॉम एसवीवी इज प्रेजेंट, निराली चौधरी पीपी सवानी, ध्रुव चौधरी पीपी सवानी। ध्रुव इज प्रेजेंट, निराली इज प्रेजेंट। प्रियांशी फ्रॉम एसवीवी। खुशी पटेल एसवीवी। दीप चौधरी पीपी सवानी। दीप चौधरी की अटेंडेंस नहीं है। यस दीप चौधरी। अच्छा कल आया था, हाँ कल ही मैंने लिखा है इसका नाम, कल की क्लास में आया था। हाँ ठीक है, दीप चौधरी। नेक्स्ट खुशबू फ्रॉम पीपी सवानी। खुशबू ओके। कृपल गामित पीपी सवानी, तनुश्री जोशी। कृपल तनुश्री। स्टेफी पीपी सवानी। भावना शर्मा एसवीवी। सर हर रोज ऐसे ही कहते हो, हर रोज आता हूं। ठीक है बेटा, आपका नाम लिस्ट में नहीं था, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, दीप हर रोज आ रहा है। ठीक है, स्टेफी, भावना, दीप। चलो अब कोई रहता है अटेंडेंस में तो बता दो, किसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ हो तो। मयूर मराठे,
ध्रुवी ध्रुवी टिशा ध्रुवी हैज ऑल्सो ज्वाइन टिशा हैज ऑल्सो ज्वाइन चलो सब जने हो गए कंप्लीट अटेंडेंस सबका हो गया अब कि अभी भी कोई रहता है इफ स्टिल रिमेनिंग देन लेट मी नो। यस टीशा तक मैंने सबका अटेंडेंस ले लिया। ठीक है चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम नहीं बोला आपने, प्रियंका पाटिल। ओके सॉरी फॉर दैट। प्रियंका पाटिल ठीक है। प्रियंका पाटिल का अटेंडेंस आ गया था ना ऊपर। ओके सर मेरा नाम नहीं बोला आपने। यस ओके ठीक है सॉरी बेटा। चलो प्रियंका का भी अटेंडेंस हो गया। अभी भी कोई रहता है तो बता दो। यस चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। हाँ दीप का अटेंडेंस हो गया है। दीप का मैंने चेक कर लिया। दीप का अटेंडेंस हो गया। चलो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कोई डाउट्स है तो बताओ। कल के होमवर्क में कोई डाउट्स है तो बताओ। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे। तीनों में से किसी में भी डाउट है तो बताओ। ट्वेंटी थ्री में दूसरा आंसर आया है। 23 में डाउट है। और 23 के अलावा 25 में डाउट है। ठीक है चलो मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं जिससे सबको क्लैरिटी हो जाएगी। पहले 23 डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 23 में क्या बोला है? टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस आर देयर। वन इज प्लस 10 माइक्रो कूलम एंड अदर इज प्लस 5 माइक्रो कूलम। ठीक है इनका इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ है? इनिशियल सेपरेशन ऑफ दीज टू चार्जेस इज 1 मीटर। इनिशियल सेपरेशन दोनों चार्जेस का कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 0.5 मीटर अपार्ट। सो अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। 10 सपोज दिस इज चार्ज 1। फोर्स ऑन दिस चार्ज दिस इज F21।
फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ वन टू विच इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ठीक है, दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे. ठीक है, तो अब अगर हमें दोनों को एकदम क्लोज लेके आना है, इन दोनों चार्जेस को हमें क्लोज लेके आना है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पे फोर्स रिपल्शन का लग रहा है. तो हमें इसको क्लोज लाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वर्क डन सो दैट इट्स फाइनल डिस्टेंस विल बी 0.5 मीटर. फाइनली इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 0.5 मीटर्स. और इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ था, 1 मीटर. ठीक है, तो कई बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट 0.5 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी. ऐसे नहीं करना है. ठीक है, आपको दोनों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी. इनिशियली जब ये 1 मीटर का सेपरेशन था, इनिशियली व्हेन द सेपरेशन वाज 1 मीटर, तो 1 मीटर के सेपरेशन के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की, मैंने कल ही आपको बताया था, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. मतलब अगर हमारे पास कम से कम 2 चार्जेस तो होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, देखो के टाइम्स क्यू वन की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁶ कूलम × 5 × 10⁻⁶ कूलम के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. What is the separation? Initial separation is 1 meter. So this will be your initial potential energy. फिर हमने कुछ extra work done किया और extra work done करके हमने इसका separation कितना कर दिया, 0.5 meter, है ना? हमने इसका separation reduce कर दिया 0.5 meter. तो जब 0.5 meter हो गया तो बताओ final potential energy कितनी होगी? Final potential energy will be K times Q1 Q2 10 × 10⁻⁶. कन्वर्जन का भी बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना? कन्वर्जन आपको करना है पूरा अच्छे से, और इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का भी बिल्कुल ध्यान रखना है. अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में आपका सेपरेशन कितना हो गया, 0.5 मीटर्स. पहले 1 मीटर था, फिर फाइनल सेपरेशन कितना हो गया, 0.5 मीटर्स. ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लोगे यहां से, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है इसको? यस, समझ आ गया सबको. मितेश हैज ऑल्सो ज्वाइंड. बेटा क्लियर हो गया, 23 वाला क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, 25 है. मितेश हैज ज्वाइंड, ओके, मितेश का प्रेजेंट मैंने लगा दिया. ठीक है, चलो अब आ जाओ 25th क्वेश्चन पे. So, 25th क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले समझोगे इसको. ट्वेंटी थ्री वाला क्लियर हो गया ना? ओके, क्लियर है, चलो 25th पे आ जाओ. 25th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसको भी अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25th। 25th क्वेश्चन में आपको फोर डिफरेंट चार्जेस दिए हुए हैं जो कि स्क्वायर अरेंजमेंट में हमने पुट करे। एक स्क्वायर अरेंजमेंट में हमने चार डिफरेंट चार्जेस को पुट किए। ठीक है, लेट्स से दिस इज चार्ज वन, दिस चार्ज टू, दिस इज चार्ज थ्री एंड दिस इज चार्ज फोर। फोर डिफरेंट चार्जेस हैं यहां पे, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस क्यू। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू। तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू। चौथे चार्ज का मैग्नीट्यूड है अगेन माइनस क्यू। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे सोचो, इस क्वेश्चन को, कि सपोज करो इनिशियली यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, है ना। हम एक एक करके चार्जेस को उठा के लाए और फिर फाइनल जो हमारा अरेंजमेंट बना वो ये स्क्वायर में अरेंजमेंट बन गया। अब इनिशियली अगर मैं बात करूं तो सपोज करो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग में यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, सारे चार्जेस इंफिनिटी पे थे। इसको ऐसे समझो, लेट से क्यू वन इज एट इंफिनिटी, क्यू टू इज एट इंफिनिटी, Q3 is also at infinity and Q4 is also at infinity. जब सारे charges infinity पे होंगे तो उनका potential कितना होगा? Zero होगा। Potential will be zero क्योंकि potential क्या होता है? K times Q upon R. जब आपका R infinity हो जाएगा, when your R will be infinity, then potential will become zero. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आर आपका इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चार्ज को उठा के लाए। पहले हमने फर्स्ट चार्ज को उठाया और फर्स्ट चार्ज को उठा के हमने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज को उठा के यहां पे लाने में कोई भी वर्क डन हुआ क्या, ये बताओ? Is there any work done in bringing the first charge from infinite position to a particular location? क्या कोई भी work done होगा? आप खुद बताओ। कल हमने जो definition पढ़ी थी potential की, उससे थोड़ा सोच के आप बताओ। जब मैं किसी भी charge को infinity से उठा के ला रहा हूँ, first charge को जब मैं infinity से उठा के लाऊंगा, तो क्या कोई भी work done होगा उसको लाने में? सोच के बताओ। ये चैट बॉक्स कहां गया? हाँ, बिकॉज जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो हो गया ना। अगर मैं बात करूं तो यहां पे पोटेंशियल ही नहीं होगा। जब यहां पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है इसकी सराउंडिंग में, तो यहां पे किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? और हमें पता है वर्क डन इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल ही नहीं है। जब मैं फर्स्ट चार्ज को उठा के ला रहा हूं इंफिनिटी से, तो इसके जो सराउंडिंग्स में कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा इसकी सराउंडिंग में। इफ पोटेंशियल विल बी जीरो, देन देयर विल बी नो वर्क डन। तो पहले चार्ज को जब मैं उठा के लाऊंगा इंफिनिटी से, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, देयर इज जीरो वर्क डन। इतना सबको समझ आया? अब चलो, अब मैं दूसरे चार्ज को उठा के लाता हूं। ठीक है, नाउ आई विल पिक अप द सेकेंड चार्ज, और सेकेंड चार्ज को मैं उठा के ला रहा हूं इंफिनिटी से, और सेकेंड चार्ज को उठा के मैंने कहां पे रख दिया? बिल्कुल इधर रख दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चार्ज, दिस इज योर सेकेंड चार्ज। अब मेरे को बताओ सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा? अब मैं फर्स्ट चार्ज को उठा के लाया तो फर्स्ट चार्ज का तो वर्क डन जीरो हमको मिल गया, है ना। फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन कितना मिल गया?
जीरो मिल गया। सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर सेकेंड चार्ज? सेकेंड चार्ज को जब मैं उठा के लाऊंगा इंफिनिटी से, तो इस पे फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लगेगा। सपोज करो दिस डिस्टेंस इज आर, सो फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज पे पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन द सेकेंड चार्ज? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फर्स्ट चार्ज का तो पोटेंशियल लगेगा ना सेकेंड चार्ज पे, जब मैं सेकेंड वाले चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ला रहा हूं तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल तो वहां पे प्रेजेंट होगा उसकी सराउंडिंग में। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? V1 इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर, के क्यू वन अपॉन आर, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट चार्ज विच इज प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट व्हाइल वी आर ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट पोजिशन। ठीक है, सो बताओ वर्क डन सेकेंड का कितना हो जाएगा? सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा? What will be the work done in bringing the second charge from infinity to this particular location? So work done ho jayega potential due to first charge into second charge. This will be the work done in bringing the second charge from infinity to this location. Samajh aaya sabko? Haan, very good. Answer bhi nikal diya kahi logon ne. खुशी पटेल ने निकाल दिया, केशवी राणा ने निकाल दिया। ओके, चलो ये पार्ट सबको क्लियर है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सब आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये इसी क्वेश्चन को आप डिटेल में समझ लोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी के, आपको उसका कंसेप्ट एक बार पता चल गया तो यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, this work done will be work done by second charge, कितना हो जाएगा ये k q1, potential is k q1 upon r1 which is r into q2, this will be the work done in bringing the second charge and this work done will be stored in the form of potential energy। जब मैं इस चार्ज को यहां से उठा के लाऊंगा, जैसे ही मैं इस चार्ज को उठा के यहां से ला रहा हूं, तो जितना भी वर्क डन मैं कर रहा हूं वो सारा का सारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस ऑल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अब थर्ड चार्ज को उठा के लाता हूं। अब थर्ड चार्ज को जब मैं उठा के लाऊंगा और थर्ड चार्ज को उठा के मैं यहां पर प्लेस करूंगा, ठीक है, आई हैव प्लेस्ड द थर्ड चार्ज हियर इन सच अ वे दैट दिस सेपरेशन इज ऑल्सो आर, ये जो सेपरेशन है ये भी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने थर्ड चार्ज को प्लेस कर दिया। अब बताओ वर्क डन कितना होगा? अब थर्ड चार्ज पे देखो फर्स्ट का भी पोटेंशियल लगेगा और सेकेंड का भी पोटेंशियल लगेगा। थर्ड वाले चार्ज पे फर्स्ट वाले का भी पोटेंशियल लगेगा और सेकेंड चार्ज का भी पोटेंशियल लगेगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले चार्ज की पोटेंशियल की बात करूं, देखो थर्ड चार्ज पे दोनों का पोटेंशियल लगेगा, Q1 का भी लगेगा और Q2 का भी लगेगा। आई एम राइटिंग हियर ऑन थर्ड चार्ज there will be potential due to remaining charges, ठीक है। तो remaining charges कौन कौन से? charge वन और charge टू। तो थर्ड वाले चार्ज पे दोनों का पोटेंशियल लगेगा, है ना। वन का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल ड्यू टू वन विल बी के क्यू वन अपॉन आर, दिस विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू वन। सेकेंड की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज?
तो सेकेंड चार्ज को देखो आप डायग्राम में, सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखो ये वाली डिस्टेंस आएगी, सेकेंड चार्ज से थर्ड चार्ज का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज रूट टू टाइम्स आर, दिस डिस्टेंस इज रूट टू टाइम्स आर, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. सो सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू टू अपॉन रूट टू आर, है ना. सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू टू अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ आर. ठीक है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड चार्ज. नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन, what is the work done in bringing the third charge from infinite position to that point. So W3 kitna ho jayega, work done for third charge kitna ho jayega, which is V1 plus V2 into Q3, V1 plus V2 into Q3. aisa maine kyu kiya, because potential is a scalar quantity, so I can add directly. पोटेंशियल इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. सो मैंने दोनों का नेट पोटेंशियल ऐड कर दिया. थर्ड पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, थर्ड पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जो होगा वी वन की वजह से भी होगा और वी टू की वजह से भी होगा. सो नेट पोटेंशियल ऑन थर्ड पॉइंट विल बी वी वन प्लस वी टू, दोनों की वजह से थर्ड वाले चार्ज पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो दोनों पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया. सो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन विल बी के क्यू वन अपॉन आर, वर्क डन विल बी के क्यू वन अपॉन आर प्लस के क्यू टू अपॉन रूट टू आर, अपॉन रूट टू आर, रूट टू टाइम्स आर इंटू चार्ज क्यू थ्री, इंटू चार्ज क्यू थ्री. समझ आया, ये वर्क डन हो जाएगा थर्ड चार्ज को लाने में. ठीक है, सो थर्ड चार्ज को लाने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा. चलो अब फोर्थ वाले चार्ज की बात करते हैं. Now let us try to understand how much work is done in bringing the fourth charge from infinite to that particular position. अब हमने fourth charge को उठाया, चौथा वाला charge कहाँ गया? अरे चौथा वाला charge कहाँ पे गायब हो गया? ये रहा. अच्छा, this is your fourth charge. तो हमने fourth charge को यहाँ से उठाया और हमने उठा के इस location पे रखा in such a way that ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाए. दिस डिस्टेंस विल बी आर एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम आर. ठीक है, इन दिस वे वी हैव फॉर्म द अरेंजमेंट ऑफ अ स्क्वायर इन विच द फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज. जितने भी चार्ज को लाने में हमने वर्क डन किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. इसलिए हम इस सिस्टम की जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी विल बी द समिशन ऑफ ऑल द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन. समझ आया, दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को उठा के ला रहे हैं और ये पूरा अरेंजमेंट को सेटअप करने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वही सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. ठीक है, अब हर टाइम तो मैं इतना लंबा प्रोसेस करूंगा नहीं. ठीक है, चलो अभी मैं आपको इसके शॉर्टकट मेथड्स बताऊंगा जिससे आप
क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? ये तो आपके समझने के लिए, जिससे आपको एक बार समझ आ जाए कि व्हाट इज एक्चुअल, दिस इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है? अब हर बार सॉल्व करने के लिए हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया एवरीवन? थर्ड चार्ज तक का वर्क डन सबको क्लियर हो गया? अब फोर्थ का वर्क डन निकालेंगे हम। हाँ, अब फोर्थ का वर्क डन देखो, फोर्थ का वर्क डन कितना होगा? फोर्थ वाले चार्ज के लिए देखो, पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकेंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज, तीनों की वजह से पोटेंशियल लगेगा। फोर्थ वाले चार्ज पे जो पोटेंशियल होगा वो तीनों चार्जेस की वजह से लगेगा। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस देख लो, फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस है रूट टू आर, है ना? हाँ, वेरी गुड, तीनों का ऐड करोगे। फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना है? रूट टू आर। थर्ड वाले चार्ज का डिस्टेंस कितना है? आर। और सेकेंड वाले चार्ज का डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड का तो डिस्टेंस आर है, फर्स्ट वाले का डिस्टेंस है रूट टू आर। चलो अब तो पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले वी वन निकालो, वी वन कितना हो जाएगा? थर्ड चार्ज के लिए वी वन कितना हो जाएगा? के क्यू वन अपॉन रूट टू आर फॉर थर्ड चार्ज, सॉरी फॉर फोर्थ चार्ज, है ना? फोर्थ चार्ज के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इंटू क्यू फोर। ठीक है, दिस इज चार्ज क्यू फोर। सो पहले वाले की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन अपॉन रूट टू टाइम्स आर प्लस के क्यू टू अपॉन आर प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर इंटू क्यू फोर। दिस विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फोर्थ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पोजिशन। ठीक है, नाउ दिस ऑल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जितना भी वर्क डन हमने किया, ये सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस ऑल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, सो टोटल वर्क डन is equal to total potential energy of the system. Total potential energy of the system. ठीक है, total work done will be total potential energy of the system. So work done आप हमने जो भी निकाला है सबको add कर दोगे, W1 plus W2 plus W3 plus W4 which is equal to total potential energy of the system. This will be total potential energy of the system. So, यहां से आपका एक question solve हो जाए। अब आपकी जो भी Q1, Q2, Q3, Q4 की values है, आप put कर लोगे, है ना? Q1, Q2, Q3, Q4 की values आप put कर लोगे इस equation में। जैसे Q1 की value है plus Q, है ना? Q2 की value कितनी है? minus Q. Q3 की value कितनी है? minus Q. और Q4 की वैल्यू कितनी है? प्लस Q. ये सारी पोटेंशियल की वैल्यूज आप पुट कर लोगे तो आपको यहां से वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, व्हाट विल बी द वर्क डन। वन क्वेश्चन इज और इसका एक सब पार्ट था इस क्वेश्चन का, है ना सर? वहां पे साइड डी है, आर मत लो। अच्छा, जो भी साइड दिया है आप वो पुट कर लोगे, वो तो आप समझ गए ना बेटा। क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर वहां पे डी साइड दिया है तो आप ऑब्वियसली डी पुट करोगे, ये तो कॉमन सेंस है। आर दिया है तो आर पुट करोगे, डी दिया है तो डी पुट करोगे। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हाँ चलो, अब मैं एक चीज और बता रहा था। सपोज करो मैं आपको बोलता फाइंड द वर्क डन, वर्क डन नहीं, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? क्या कोई बता सकता है?
व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. यस जीरो. क्यों जीरो? क्यों? व्हाई जीरो? वेरी गुड. जीरो क्यों होगा? देखो सबका डिस्टेंस सेम है और सबका चार्ज ऑपोजिट है. ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है. दो चार्ज माइनस क्यू है और दो चार्ज प्लस क्यू है. तो जब हम सबका पोटेंशियल ऐड करेंगे तो चार्ज ऐड हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी है ना. सही बात है, चार्ज ऐड हो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएंगे, है ना. जिसको नहीं पता चला एक बार देख लो, नेट पोटेंशियल सब चार्जेस की वजह से क्या होगा. सपोज करो ये डिस्टेंस को मान लो x, ये x है तो ये भी x और ये भी x. सो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन x माइनस के क्यू अपॉन x प्लस के क्यू अपॉन x माइनस के क्यू अपॉन x. ठीक है, तो देखो कैंसल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल कर देगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो. अगर नेट पोटेंशियल जीरो हो गया तो नेट वर्क डन भी कितना हो जाएगा, सेंटर पॉइंट पे. सेंटर पॉइंट के लिए नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो. ठीक है, वेरी गुड. चलो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, तो कल का होमवर्क अब क्लियर है. अब हम आगे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, है ना. सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म भी देख लेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज आज की क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से कल की क्लास में हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, है ना. कल की क्लास में हम कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे. कैपेसिटर से पहले आपको कंडक्टर्स के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कंडक्टर्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए,